दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अभी छठा सूत्र है वो ये कि खाना खा रहे हैं तो हमेशा बैठकर खाना, खड़े होकर कभी भी खाने का नियम मनुष्यों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। क्यों है जानवरों के लिए और क्यों नहीं है मनुष्यों के लिए? जानवर चार पायों पर चलते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र शरीर का, वो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य दो पायों पर चलता है। तो मनुष्य का जो गुरुत्व केंद्र है और पशुओं का जो गुरुत्व केंद्र है, दोनों अलग हैं। वो चार पाए हैं, हम दो पाए। तो खड़े होकर खाने के लिए पशुओं को अनुमति है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को बैठकर ही खाना चाहिए, अर्थात बफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम है। बफेलो माने मशी, मशी खाती है खड़े होकर, मनुष्य को नहीं है। तो आप बोलेंगे हम कहीं शादी में गए हैं, अब व्यवस्था वहां ऐसी है कि खड़े होकर ही खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो भी आपको मेरी विनती है कि आप जहां भी शादी में गए हैं, लग्न प्रसंग में गए हैं या किसी भी प्रसंग में गए और वहां बुफे सिस्टम का खाना है, तो आप अपनी प्लेट में खाना ले लीजिए और कहीं बैठकर खाइए, बैठकर खाइए। खड़े होकर खाना बहुत ही तकलीफ का था। अब वो क्या तकलीफ है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी आप बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएंगे, आपको अंतर महसूस होता है शरीर में, बैठे होने में और खड़े होने में महसूस होता है ना? क्या ज्यादा अच्छा लगता है? बैठना ना। बैठते समय शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। फिजिक्स की भाषा में अगर मैं कहूं, भौतिक शास्त्र की भाषा में, बैठते ही शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और खड़े होते ही फिर से गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आपके ऊपर सबसे अधिक होता है जब आप खड़े होते हैं। तो जैसे ही आपने खाया तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का होता है। तो आप खाना खाएंगे तो नियम तो ये है कि ये धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए, लेकिन खड़े होकर खाएंगे तो ये पूरा जल्दी से उतर जाएगा। अब ये जो जल्दी से उतरा हुआ खाना है, इसमें लार की मात्रा जो आहार नली में मिलनी चाहिए वो कम हो जाती है, और गुरुत्व केंद्र बदल जाने के कारण ये जल्दी से नीचे आता है तो इसके पाचन में फिर संकट पैदा हो जाता है, लार की कमी होने के कारण। तो खड़े होकर जो खाना खाया उसको पाचन होने में बैठकर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है, और समय ज्यादा लगता है, शरीर के अंगों को भी तकलीफ ज्यादा होती है पाचन करने। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको बैठकर ही भोजन करना सबसे अच्छा है। अब बैठना भी कैसा? आप तो कहेंगे जी मैं तो कुर्सी पर बैठ के खाता हूं, माने डाइनिंग टेबल भी तो बैठना ही हुआ। डाइनिंग टेबल बैठना नहीं है, बैठना ये है यदि आप अभी बैठे हैं, ये बैठना है। आपने जो आसन इस समय लगाया हुआ है इसको सुख आसन कहते हैं। सुख आसन में बैठना ही बैठना होता है, कुर्सी पर बैठने का खाना खाने का नियम नहीं। ये कुर्सी पर बैठकर खाना खाने का नियम यूरोप में है, भारत में नहीं। यूरोप और भारत में क्या अंतर है? यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी बहुत है, आप जानते हैं, और इतनी ठंडी है कि एक बरस में 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, 8 महीने। और ठंडी इतनी होती है कि तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऋणात्मक, बर्फ पे बर्फ जमी रहती है। तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर में स्नोवियल फ्लूइड कम बनता है। स्नोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, ये जो जॉइंट्स है ना आपके सभी, इन जॉइंट्स में रहता है, हड्डियों के बीच में आपस में जो टक्कर होती है इसको बचाने के लिए, घर्षण बचाने के लिए। जैसे गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं ना, तो शरीर का मोबिल ऑयल है जिसको स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ठंड वाले देश के लोग हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्लूइड,
तो वो जल्दी बैठ उठ नहीं सकते, इसलिए उनको नियम है कि वो खड़े होकर भी खाएं या कुर्सी पर बैठ के खाएं, क्योंकि ये घुटना उनका मुड़ नहीं सकता, स्टिफ होता है, बहुत कड़क होता है, इसलिए वो मेज कुर्सी पर बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। भारतवासियों के लिए ये नहीं है मेज कुर्सी पर खाना, हमको तो जमीन में बैठकर ही खाना सबसे अच्छा है। तो आयुर्वेद ने इसका सूत्र बनाया कि जमीन पर बैठकर भोजन करें, ये बहुत आवश्यक है निरोगी होने के लिए। अब आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें, बेच दो, खरीदा है तो बिक भी सकता है ना। तो आप कहेंगे जी पैसा उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन शरीर तो अच्छा रहेगा। और मेरी एक सुझाव है कि डाइनिंग टेबल की लकड़ी निकाल के उससे वो पट्टे बना दो जिसपे थाली रख के खाना खाते पार्टी, वो डाइनिंग टेबल की लकड़ी से बहुत अच्छा बनेगा, माने सदुपयोग हो जाएगा ना, नहीं तो बेच दो उसको, ये किसी काम की चीज नहीं है डाइनिंग टेबल। और एक दूसरे हिसाब से भी मैं सोचता हूं कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल बेकार है। कैसे बेकार है, ये रखा रहता है ज्यादा देर तो, उपयोग तो मुश्किल से दिन में एक कला की होता है, एक घंटे ही होता है, कभी कभी तो एक घंटे भी नहीं होता, लेकिन एक घंटे के लिए कितना खर्चा है जरा हिसाब लगाइए। 40 गांव में एक स्क्वायर फीट जमीन की क्या कीमत है, यहां पे जहां हम बैठे एक स्क्वायर फीट जमीन की कितनी कीमत, 500 रुपए, ठीक है, तो 10 स्क्वायर फीट की कितनी होगी, 5000 हो गई, तो 5000 रुपए कीमत कितने दिन के लिए आपने खर्च कर रखी है जहां डाइनिंग टेबल रखी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, फालतू में इतना वेस्ट कर रहे थे सर, 5000 का 40 में गुणा कर लीजिए, लाखों रुपए की इनकम निकलती है जो आपने फालतू में घेर के रखी है, वो जगह जिसकी कीमत 500 रुपए स्क्वायर फीट है। आपके घर में डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का जगह घेर रही है, बेकार है कि नहीं। और बड़ा विचित्र मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा अच्छा स्पेस देखकर घर बनाते हैं, फिर घर का स्पेस भरने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते, घर बनाते हैं स्पेस देने के लिए, फिर उसको घर देने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं, सोफा सेट ले आते हैं, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, उसको कबाड़ और कचरे से भर के रखते हैं। हमसे अच्छे वो गांव के शेतकरी हैं जिनकी अकल बहुत है, वो पता है डाइनिंग टेबल नहीं बनाते तो, और वो फर्नीचर भी बनाते तो कैसा फर्नीचर बनाते हैं जिसको 5 मिनट में इधर से इधर रिमूव कर सके, हटा सके, चारपाई बनाते हैं, चाहे तो बिछा लिया, चाहे तो उठा के रख दिया, उठा के रख दिया तो कितना बड़ा स्पेस मिल गया, और बिछा लिया तो उसका उपयोग हो गया। कितने होशियार अकल वाले लोग हैं, और ये इतने होशियार इसलिए है कि वो कभी पढ़ने नहीं जाते, जो पढ़े तो दिमाग खराब होता है। हम सब पढ़े लिखे लोग अपने घर में कूड़ा कचरा कबाड़ भर भर के, सोफा यहां लगा दिया, डाइनिंग टेबल यहां लगा दिया, निकलने को जगह नहीं है, और उसको पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं, कुछ दाम नहीं है उसका, कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब बेजान चीज है। इसलिए मेरी तो आपको विनंती है, डाइनिंग टेबल हटाइए तो थोड़ी जगह तो खाली मिले घर में, तो इसको सच में निकाल दीजिए, अगर बेचना है तो बेच दीजिए, और खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। तो आप अब ये कहेंगे कि जी हमको तो बैठना ही नहीं होता, घोड़े में इतना दर्द होता है इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठते, ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि कल के बाद आपके घोड़े का दर्द मैं ठीक कर दूंगा, जमीन पर ही बैठ के खाइए, आपके घोड़े 15 दिन में इतने अच्छे हो जाएंगे कि बहुत आसानी से आप बैठ पाएंगे, डाइनिंग टेबल की तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।